देखो गाइज, ये सिक्का जो है ये मैं इस मनोकामना कुएं में डालूंगा और ये सोच के कि मेरे YouTube फैमिली में 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए और मेरा YouTube फैमिली 1 करोड़ हो जाए, तो अब देखते हैं। तो मुझे भगवान पे भरोसा है, माता रानी पे भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ इतने दूर चल के दर्शन करने के लिए इनसे, और इलाज के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एकदम ऐसे बोलो, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं थावे, यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा, लगभग 100-150 किलोमीटर होगा, वो मैं किलोमीटर देखूंगा गाड़ी में। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और जैसे हम लोग वहाँ पे दर्शन करते हैं वैसे आप लोग भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। तो गाइज, आज का ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। सब लोग तैयार हो चुका है, एक मैं ही बाकी हूँ। अब मैं भी चलता हूँ फटाफट नहा धो के रेडी हो जाने। युवराज का बहन युवराज को तैयार कर रही है पल्वी। देखा देखा इधर युवराज, वाह हो गया स्मार्ट, स्मार्ट हो गया कि ब्यूटीफुल हो गया। ब्यूटीफुल किसको बोलते हैं? लड़के को। और हैंडसम किसको बोलते हैं? लड़का को। वाह, हम जूता पहन ले। जूता नहीं, जूता मत पहनिए, चप्पल पहन के पूजा करने से ठीक रहता है। हेलो, हम लोग जा रहे हैं थावे पूजा करने। पल्वी ये जूता रख दो और सैंडल लाओ। अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अब चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? थावे चलना है, माता का दर्शन करने। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस चलते हैं। पेट्रोल फुल कर रहे हैं और फुल करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। पेट्रोल हो गया फुल, चलाते रहो दिन भर, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक। वो गाड़ी में यहाँ पे 20-30 से ज्यादा स्पीड में नहीं चला सकता हूँ। नीतीश जी क्या कर रहे हैं यार, भाषण में बोलते थे कि गांव-गांव में हर जगह एक रोड बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन क्या है? In 1 kilometer turn left। तो गाइज देख लो बिहार में सड़कों का हालात, और ऊपर से वो ट्रक, बिहार का रोड ज्यादा बुरा। हम लोग आ गए इस पुल पे, और यहाँ पे अब गंगा मैया से दर्शन करेंगे, और कुछ इनके पास सामान है जो ये गंगा मैया को अर्पण करेगी। सब लोग बोलो जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। हाँ इलाज बोलो, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। बाप रे बाप, पानी चमक रहा है। यह है गंगा मैया, और कुछ सामान है जो गंगा मैया को अर्पण करना है। मुझे इधर से पार करके जाना पड़ेगा। तट कहाँ से कहाँ तक है, बहुत लंबा पुल है ये। देखो हम लोग पुल के बीचों बीच रुके हुए हैं। तो गाइस यहाँ भी गंगा मैया का दर्शन हो गया, हर हर गंगे। चलते हैं। नहीं।
पार्किंग कहाँ पे है? आगे कहीं भी लगा देंगे आगे। मामा प्लीज खिलौना खरीद दीजिएगा। मामा मामा प्लीज खिलौना खरीद दीजिएगा, आइसक्रीम भी। ये देखो गाइज, युवराज को सब लोग सब काम में लगा हुआ और आते हैं ये आइसक्रीम। मम्मी आइसक्रीम कौन खरीदा है तुम्हारे लिए, बोलो तो। तो पूजा करने नहीं चलोगे? आता ही आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया, पहले पूजा करना चाहिए उसके बाद खाना चाहिए। सॉरी गाइस। तो गाइस हम यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ से पैदल जाना है वहाँ माता का दर्शन करने। मैं आगे आगे हूँ और ये सब पीछे पीछे है। देखिए युवराज कहाँ है, युवराज देखिए युवराज को, इसकी दोनों बहनें इसको संभाली है, नहीं तो ये कहीं भी भाग जाएगा। हाय मैडम। और यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे, ये नारियल है ये सब है, और यहाँ से प्रसाद लेंगे और चप्पल भी यहीं पे रखेंगे और फिर जाएंगे पूजा करके आके फिर वापस अपना चप्पल पहनेंगे और घर पर निकलेंगे। चप्पल कहाँ पे रखे हो? इधर अंदर रख देते तो अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रसाद बेचने वाले हैं सबके प्रांगण में एक चापाकल होता है, हाथ पर धो के फ्रेश होकर सूर्य और साफ सुथरा होकर जाने के लिए। भाई तुम ये माला क्यों लेकर घूम रहे हो? मनोहरी है। ये माला मतलब ये किस काम आता है? माता है गले में, माला माला जरूरी है क्या? माले को क्या क्या पैसा? मैडम बोल रही है जरूरी नहीं है। आइए है अड़हुल के फूल। चलो कोई बात नहीं, अड़हुल का फूल ले लीजिए, माता को चढ़ाया जाता है अड़हुल का फूल। इसमें क्या है, भांग है क्या? लौना का पत्ता है। इसका पैसा भी लीजिएगा। कितना है? 10 रुपये का। अब जा रहे हैं पूजा करने, माता रानी का दर्शन करने। युवराज कहाँ पे है? बोलो कुछ बोलो। जय माता दी। माता से दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे बाइक और गाड़ियों का पूजा होता है और यहाँ से हमें जाना है अंदर। देखिए कितना भीड़ है, तो देखो गाइस कितना भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है, इसीलिए इतने दूर से चल के यहाँ पे आते हैं। इतना लोग बुर्बक हो गया है। खाना प्रसाद ही तो है, खाना प्रसाद दी, खाना प्रसाद। कौन बजा बजा? 12 बजे के बाद है। फिर करा दे। वहाँ पे भक्त लोगों का इतना ज़्यादा भीड़ था गाइज कि पल भी कैमरा लेके अंदर जा ही नहीं पाई, लेकिन मेरे जेब में मोबाइल था, मैं अंदर लेके गया। और अंदर जाने के बाद भी माता रानी का जहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है वो तांबे ओंबे का कुछ ऐसे बनाया हुआ है,
और उनका शकल ऐसा है कि लगता है कि जैसे अब बात कर लेगी कब बात कर लेगी, लगता है जैसे वो सुन रही है। अगर आप कुछ बोलते हो तो लगता है कि जैसे वो सुन रही है और उसका जवाब देने वाली है, ऐसा वहाँ पे सीन लगता है। तो मैं तो माता रानी के पास तक मैं चला गया और मोबाइल में अपने जेब में लिया था और वहाँ पर वीडियो मैंने बना लिया। वैसे तो मंदिर में कैमरा मोबाइल ये सब लेके जाना मना है, लेकिन मैं लेके गया था और मैंने वीडियो भी वहाँ पे बनाया अंदर जाके। तो आप लोग बताओ गाइज, क्या मैं वो वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों को माता रानी का साक्षात दर्शन कराऊँ या क्या करूँ मैं? आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। तो गाइज बहुत मुश्किल से ही मैंने दर्शन कर पाया, लेकिन इतना जरूर है कि मैं अंदर तक जाकर दर्शन किया। अंदर कोई जाते नहीं है, उसके लिए मुझे गेट पर 200 देना पड़ा और जब मैं अंदर गया तो पंडित जी को मैंने 200 दिया, तब जाके वो अंदर मुझे घुसने दिए और मैं वहाँ पे जाके आराम से बैठ के पूजा किया। दोस्तों मैंने भी सोचा क्या है, ये सब तो उन्हीं का है, हम लोग खुद माता रानी के बनाए हुए समझो कि मूर्ति है, कठपुतली है, माता रानी के बनाए हुए हम लोग कठपुतली है, मुझे ऐसा करती है और वो सही करती है। तो मुझे भगवान पे भरोसा है, माता रानी पे भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ इतने दूर चल के दर्शन करने के लिए इनसे। और युवराज के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह है युवराज, इसकी मामा बोलती है कि इसी माता रानी से युवराज को मांगी थी, तब जाके युवराज आया इस दुनिया में। और युवराज के इंतजार में हमारी तीन तीन बेटियाँ, देखो यहाँ पे इधर आओ, ये देखो कहाँ चल रहे हो? आगे से खुला भाई, आगे से कहने से खुला भवन से, देखो युवराज खुला हुआ है यहाँ से, चलो चलो। इधर पापा जी, चलो ना इधर चलो। पापा जी कॉटन कैंडी खरीद दीजिए, कॉटन कैंडी चाहिए। और तुमको नहीं चाहिए? चाहिए। और बाद इसको में भी चाहिए। बाद में जनमंदो बोली राजा धनेन्द्र महाबलोति जितवा लोक शर्मा चलावा चला नाम बोली सुख नाम संतोष कुमार था संतोष जी के नाम से पूरा परिवार के नाम से जय को सदान करी जो सरकार। अच्छा तो ये रक्षा सूत्र से कहा है? माता जी का प्रसाद है, इसे सब कोई बंधवाता है, हिंदू धर्म से रक्षा होता है। रक्षा सूत्र इसका नाम ही है। रक्षा सूत्र का मतलब क्या होता है ये हमको बताइए। ये रक्षा सूत्र का रक्षा ही करता है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म चलिए ठीक, माता रानी को देखते रहे इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लेकिन हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध माना गया है रक्षा सूत्र। ठीक है, तो ये रक्षा का रूप ही है रक्षा सूत्र। जैसे माता जी को भेंट किया जाता है, अगर काका पूजा कराते हैं तो ठाकुर जी को भी चढ़ाया जाता है रक्षा, वैसे ही रक्षा बांधा जाता है। रक्षा का तो जो सर थैंक यू। युवराज नहीं काटेगा, जाओ देखो इधर युवराज, अब ये इतने लोगों को देख के अब ये गुस्सा हो रहा है, देखो भाग गया भाग गया भाग गया। देखो गाइस ये सिक्का जो है ये मैं इस मनोकामना कुएं में डालूंगा और ये सोच के कि मेरे YouTube फैमिली में 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए और मेरा YouTube फैमिली 1 करोड़ हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है। बीच में से आपने बीच में तुमको ना विश भी तो मांगी कभी भी हम कहते नहीं सब बीच में। हाँ हाँ और देखिए बीच में एकदम सेंटर में गया है नीचे, अब देखते हैं ये आप लोगों के हाथ में। ठीक है तो देखिए ना, ठीक है हाँ, तो गाइस जब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये पोखरा है, तालाब बोलते हैं इसको, सॉरी तालाब, और राजमहल जो है उधर है और मनन राजा थे, रसु भगत थे और मनन राजा थे, वो माता के बहुत बड़े भक्त थे रहसु, और वो जो है वो बाघ जो होता है बाघ से वो देवरी कर रहे थे। तो राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने बोला कि अगर सच में भगवान है माता है तो आप उन्हें बुलाओ। तो माता आई थी और उसके
सर में हाथ लगा के ऊपर उनका हाथ दिखाई दिया, उसका भी मूर्ति बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं मछलियों को, देखिए एंजॉय कीजिए। ये देखिए दर्शक लोगों को, लाओ इधर लाई पल्लवी, ये लाई है, ये मैं डालूंगा उसमें, आप देखना मछलियों का झुंड कैसे आएगा ऊपर। वो लोग बीच में है, हम फेंके सुबह 9 बजे हम लोग निकले हैं और पूजा करते करते हम लोगों को 12:30 बज गया। पूजा हम लोगों का संपन्न हो गया है, अब खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, वीडियो ब्लॉगिंग करेंगे कुछ और फिर घर चलेंगे। युवराज को देखिए खाली अंजन। हनुमान जी से क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि आप अच्छे हैं। आगे आइए, पूड़ी सब्जी जलेबी आलू का ये सब सब्जी आ गया है, अब इसी को खाएंगे, क्या करेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो अभी बाकी है, अभी जो मेन वीडियो है वो बाकी है अभी। तो मैंने वहाँ पे साधु लोग जो थे, पंडित जी लोग जो थे वहाँ पे, मैंने उन लोगों से जो बात किया और वो लोग भी कुछ वहाँ के बारे में हमको समझाए हैं। तो अगर मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि आजकल 1-1 घंटे बैठ के किसके पास टाइम है कि वो हमारा वीडियो देखते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।